फोर्स ने मलिकाए ताज का सेकेंड एडिशन एच ब्लॉक के दुबई नगर में आज संपन्न हुआ, जिसमें काफी प्रतिभागियों ने अपने हुनर का जलवा बिखेरा। तो देखा आपने किस प्रकार से बच्चों ने अपने हुनर को दिखाया। अब ऑर्गेनाइजिंग टीम से बात करते हैं जो कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर है। आज जैसा कि सेकेंड ऑडिशन है आपका, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे और पब्लिक का कितना सपोर्ट आपको मिला है इस कार्यक्रम में? पहले चीज़ तो मैं सबको नमस्कार कहूँगा कि जो हमारे कंटेस्टेंट रहे हैं और जो हमारे आज ये चैनल देख रहे हैं और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर इस चैनल के, मैं सभी को धन्यवाद करूँगा कि इस चैनल में नई से नई चीज़ें आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ जैसे कि हमारा एक शो है उसने मलिका ताज 2022, ये अब यूपी लेवल में जो हो रहा है हमारा शो, ये एक बहुत ही ब्रांड लेवल पे हो रहा है पहली चीज़। और आज का ऑडिशन का बात बताऊँ मैं आपको, ये ऑडिशन जो हुआ है मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हुआ था कि इतना अच्छा ऑडिशन होगा। कितने बच्चों ने परफॉर्म किया, एक से एक कलाकार बच्चे थे, एक से एक टैलेंट भरा हुआ था उनके अंदर और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उससे पहले भी हमारा एक ऑडिशन हो चुका है बता दो मैं, तो उसमें भी बच्चे अच्छे खासे आए हुए थे, वेल टैलेंटेड थे बच्चे और आज के टाइम में भी बच्चे बहुत अच्छे हैं। कानपुर में कार्यक्रम हो रहे हैं और होते रहते हैं, इस कार्यक्रम में ऐसा खास क्या है जो अन्य कार्यक्रमों में नहीं है? देखिए, जो हम लोगों ने सोचा है वो बिल्कुल डिफरेंट है बिल्कुल। और रही बात बहुत सारे कार्यक्रम, देखिए सबकी अलग अलग श्रेणी है, सब अलग अलग जगहों पर है। ये तो जब आप मंच पे खड़े होंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हम क्या लेकर आए। हम अभी अगर कोई चीज़ बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि केवल ये वाहवा ही मांग रहे हैं, हम वाहवा ही नहीं करना चाहते, हम करके दिखाना चाहते हैं। जो भी चीज़ें रहेंगी सरप्राइजिंग रहेंगी, बस ये रहिएगा कि एक भरोसा जो है वो बनाए रखिएगा, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहा तो ये शो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडिया लेवल पर हम ये शो कराएंगे और आप सब हमारा साथ रहेंगे एक परिवार की तरह और आगे एक दूसरे का सपोर्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं एम टीवी न्यूज़, उद्देश्य सच।